हमने आज अपना नामांकन कर दिया। तो कतार बताएंगे जीत रही है समाजवादी पार्टी। जो उम्मीदवार होता है उसको तो सभी जब हाथ जोड़ कोर्ट मांगता है तो सभी लोग कहते हैं कि हम वोट आपको दे रहे हैं। असली उसकी वास्तविकता जो है लोकतंत्र का जो चौथे स्तंभ आप लोग हैं यही बताने का काम करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। हमें तो लग रहा है कि कोई लड़ाई ही नहीं है, एक तरफा जो है गठबंधन के प्रत्याशी हमारी जीत हो रही है। पिछली बार आप मामूली वोटों से चुनाव हार गए थे, इस बार भी क्या तैयारी है? हालांकि आपका दावा था कि चुनाव हराया गया आपको, इस बार इसको लेकर इस बार की तैयारी कैसी है? पूरी जो है तैयारी मेरी व्यक्तिगत कोई नहीं है, पर सब मुझे प्रशासन पर विश्वास है, प्रशासन ईमानदारी से जो है मतगणना कराने का काम करेगा। पांडे जी, एक बात खुलकर पिछले दिनों आई थी सामने कि अगर पिछले दौर को दोहराया गया तो मेरे स्टॉक बाहर आएंगे या कलेक्टर के? हर आदमी क्या वह स्थिति आने की संभावना आपको दिख रही है? हर आदमी के अंदर जो है एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपके जीवन में कभी आपको चींटी काटती है तो कोई आपको राय नहीं देता है, कोई बताता है कहाँ चींटी काट रहे हैं, तुरंत आपका हाथ वहाँ पहुँच जाता है। पंडित जी, जैसे जैसे एक जैसे एक एक बलिया में पूरी तरह सफा एकजुट है और सारे गठबंधन के लोग एकजुट हैं। कितने से आप जीतेंगे चुनाव? आप लोग कभी कभी इसे जैसे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि 400 जीत रहे हैं, वही बात हमसे भी दोहराना चाहते हैं। उनके पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। आपके पास जनता है, जनता का प्रेम है, पंडित जी देखिए बलिया में तो कुछ मिला ही नहीं, जो कुछ देख रहे हो समाजवादी पार्टी का। पंडित जी एक की बताइए, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है गठबंधन के साथियों का उलझुल बयान आ रहा है। कल खास तौर से देखा जाए विपक्षी पार्टी में बीएसपी की पार्टी का से एक बयान आया कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं और एक की जमानत जब्त हो जाएगी या दूसरे यहां बसपा जीत रही है। जो लोग हताशा में होते हैं ऐसे बयान देने का काम करते हैं। ठीक, समर्थन सहयोग मिल रहा है और आज परशुराम जयंती के अवसर पर नामांकन किया। उनको याद करते हुए, परशुराम भगवान को याद करते हुए, मुझे पूरी आशा है भगवान हम लोग को आशीर्वाद देंगे, हम लोग की बहुत अच्छी जीत हो। डिप्टी सीएम ने रैली भी की है तो प्रचार किया है, बलिया का मूड क्या लग रहा है? डिप्टी सीएम आप आए थे, अगर आप लोग रामलीला मैदान में होते तो देखते जनता का उत्साह, जनता के जिस तरह हम लोग को आशीर्वाद दे रही थी। डिप्टी सीएम साहब ने भी अनुरोध किया सबसे कि हम लोग को मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। जनता में किन मुद्दों को लेकर जा रहा है? एक ही मुद्दा है, विकास, और हम लोग हमेशा उसके लिए करते आए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा उसके लिए बात करते रहते, उसके लिए काम किया। पिछले 10 सालों का अगर आप लेखा जोखा देखेंगे तो वो काम जो 65 सालों में नहीं हो पाया उससे ज्यादा काम हम लोग ने इन 10 सालों में किया है। विपक्ष आरोप लगा रही है कि बलिया में जो भाजपा जो एकजुट नहीं है, विरासत खत्म कैसे होगी? मैं चंद्रशेखर का बेटा हूं, मैं रहूंगा हमेशा, वो कैसे खत्म होगी? वो मैं
उनको पता नहीं है कि मैं भी, चलिए इस पर मैं कोई बहस नहीं करता था, कौन क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करता है उस पर मैं बात नहीं करता, हमने कभी सीखा ही नहीं। आपका कोई और प्रश्न हो तो बताएं। अगर विपक्ष कह रहा है कि बलिया में जो है भाजपा एक्यूट नहीं, ये विपक्ष कह सकता है, विपक्ष अपने आप को देखे। जो हमारे एनडीए के पार्टनर हैं, हमारे सारे नेता, हमारे सब लोग एक साथ हैं, वो अपने आप को देखें पहले, जो विपक्ष जो कह रहा है, अपने आप अपने बीच की फूट को देखें, फिर हमसे बात करेंगे। बलिया सबसे बड़ा सवाल यह है कि बलिया जिस तरह से पहले से गतिशील नहीं था, लेकिन बीजेपी की सरकार में जब आपके सांसद वीरेंद्र सिंह मत हुए तो यहाँ डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू हुए, क्या वह अनवरत जारी रहेंगे या इस पर ब्रेक लग जाएगा? नहीं नहीं, कोई ब्रेक क्यों लगेगा, ये हमारी सरकार है, केंद्र में फिर से हमारी सरकार बनने वाली है, राज्य में हमारी सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम लोग और गति देंगे इस विकास को। अभी तो आपने कुछ चीजें देखी है, अभी आप आने वाले समय में हम सब भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि और जरूरत है, ना केवल बस बलिया के लिए बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए हम लोग और विकास के काम करेंगे। अभी तो आपने कुछ ही चीजें देखी हैं, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आपको और तेजी से विकास होते हुए दिखाई देगा। विकास का रोड मैप क्या होगा? रोड मैप, विकास का रोड मैप सबसे पहले हमने, पहले भी मैं बोल चुका, आपने पहले भी प्रश्न पूछा था, पहला मेरा लक्ष्य है कि चुनाव के तुरंत बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करें, पहला ये है। उसके बाद उद्योग लगे यहाँ पर, मेरा ये है कि हमारे बच्चे बाहर ना जाएं, मैं चाहता हूँ कि उनको यहीं नौकरी मिले, यहीं काम करें और यहीं रहकर इस क्षेत्र का विकास करें। धरती पर जब नॉमिनेशन के लिए हम लोग आए इस सभा में तो बलिया का जो नजारा हमने देखा वो अद्भुत नजारा था। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग कमल का झंडा लेकर के, सुभाषपा का झंडा लेकर के, अपना दल का झंडा लेकर के, निषाद पार्टी का झंडा लेकर के बलिया की सड़कों पर एक सैलाब बन करके उभर रहे। बलिया कोई साधारण धरती नहीं है, बलिया में जो थाना है वो पूरे देश में हुआ है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि भारत की तस्वीर को अगर देखना है, भगोने के एक चावल से चावल का कच्चा है कि पक्का पता चल जाता है। अगर पूरे देश की तस्वीर को नापना है तो बलिया के टेस्ट को नापा। बलिया ने सिखा दिया है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की हवा चल रही है, सुनामी आ गई है। भारी मतों से हारेंगे, मेरे लिए दल जात पार्टी सब टूट चुकी है और जनता मेरी लड़ाई लड़ रही है, और जब जनता खड़ा हो जाती है उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता है, और रमाशंकर राजभर भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। क्या उनके पिता को जिस तरीके से हराए थे इस बार बेटे को हराएंगे? देखिए, उनके पिता समाजवादी थे और मैं उनका चेला था, तो उनके पिता स्वर्गीय हरकेवल जी पिछले दो बार से अपने बेटा के पास थे, बेटा को आशीर्वाद दे रहे थे अब स्वर्ग से, और इस बार अपने चेला रमाशंकर राजभर को आशीर्वाद दे रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में, आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पुरानी पेंशन है, खराब सड़कें हैं, खराब हॉस्पिटलों पर कोई, जो समाजवादियों ने हॉस्पिटल बनाया, मंत्री जी ने बनाया यहाँ पर सुखपुरा में, उस हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए कोई डॉक्टर है, भैंस रह रही। चांदपुर का पुल है, खरीद का पुल है, वो बेलथरा से बकुल्हा तक की रेलवे लाइन का प्रस्ताव मैंने सांसद में कराया था, उसकी पैसा अलाट हो गया था, उसके फाइल बंद। रेवती रेलवे स्टेशन बंद, बनकटा रेलवे स्टेशन बंद, फिर सांसद किस बात के लिए? पार्लियामेंट में पहली बार का सांसद खड़ा नहीं होता है, और मेरा नेट पर देख लीजिए कितना डिबेट किया हूं,
और इन्होंने कितना डिबेट किया है, एक बार बोले भी तो कहे कि मेरे पिता 4 बार सांसद, मैं 2 बार से सांसद, और आज तक हमारे गांव में जो टंकी बनी है उसमें पानी नहीं आया। बताइए आप, एक सांसद यह बात पार्लियामेंट में बोलेगा? लेकिन अभी 3 दिन पहले सांसद ने कहा था कि विकास के मामले में इंडिया के टॉप 10 सांसदों में मेरा नाम है, क्या कहेंगे? जब उनके शहंशाह झूठ बोलते हैं तो थोड़ी मड़ी आदत तो आई जाएगी उनके सांसदों में। आपके गुरु भाई, आपके गुरु चंद्रशेखर जी भी रहे हैं? नहीं, जब तक हम जिए हैं। उनके बेटा आज, बेटा और चेला में अंतर है, बेटा बेटा है, चेला चेला। तो बेटे पर चेला भारी है क्या आज के दिन? हम कैसे कहे कि भारी हूँ, हम उनके विचारधारा के साथ, हम चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ, और वो चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ नहीं। आज कांग्रेस के नेता अय्यर का एक बयान आया कि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है और भारत को ये ख्याल रखना, सम्मान करना चाहिए, इस बयान को? इन सब बातों को छोड़िए, इन सब वोट में झूठे उद्योग बात करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में नौजवान बेकार है, बीमार आदमी को, बीमार आदमी को, बीमार आदमी को दवा की व्यवस्था नहीं है। नौजवान ठोकर खड़ा है नौकरी के लिए, 12 परीक्षाएं हुई, सब पेपर सरकार ने आउट किए उस पेपर को। किसान का पूर्ण कर्जा मुक्ति का बात की थी, भाजपा ने 1 पैसा कर्जा नहीं माफ किया। पूंजीपतियों को 16,500 करोड़ रुपया माफ कर दिया। गौ को माता कहते हैं, अगर कोई मुसलमान गाय लेके जा रहा है दूध के लिए अपने दरवाजे पर रखने के लिए, तो उसको मार के जान मार देते हैं। और जो सबसे बड़ा 4 जो लोग है गाय के मांस निर्यात करने वाले, उसमें कोई मुसलमान नहीं है। और गाय के मांस के निर्यात करने वाले से भारतीय जनता पार्टी ने 2,500 करोड़ रुपए का चंदा लिया है चुनाव का। गाय को माता कहते, कोई अपनी माता को कटवाने के लिए पैसा ले, क्या उन लोगों की बात करती? बिल्कुल जनता से के सरोकारों से कोई लेना देना उनका नहीं, और समाजवादी पार्टी का केवल जनता के सरकारों से लेना देना है। जीताने का निर्णय कर लिए हैं सनातन पांडे जी, तो सनातन पांडे तो जीते हुए हैं। उनको हराना गौ हत्या के बराबर है, ब्राह्मण को हराना गौ हत्या के बराबर है। ब्राह्मण बात नहीं है, बात है कि उनको भी सभी जाति वर्ग धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। भाजपा इस बार जा रही है, लोग उसके झूठ को, तिकड़म को समझ गए, एकदम समझ गए। जनता चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट और कार्यकर्ता नहीं, जनता। जब जनता खड़ा होती है तो कोई रोक नहीं सकता। 77 में जनता खड़ी हो गई थी, 24 में जनता खड़ी है पूरे प्रदेश का। देश कुछ नहीं, बीएसपी कुछ है ही नहीं है। आप देखिएगा कि अंत में बीएसपी कैंडिडेट राम शंकर राजभर को वोट मांगे कि नहीं मांगे। जातिवाद भी तो बाहर चल रही है ना, वो भी राजभरे है ना, तो जब उनको कोई वोट नहीं दे रहा है तो राम शंकर को वोट मांगेंगे। वो चुनाव में जात का असर पड़ रहा है क्या? खो पड़ रहा है, जातिवाद के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। लेकिन ये जो है चुनाव जातिवाद से ऊपर उठ गया। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग समाजवादी पार्टी के नीतियों कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं।